नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नवदीप छाबड़ा और हमारी खास पेशकश पाकिस्तान को मिलेगा करारा जवाब में आपका स्वागत है। पाकिस्तान जो रमजान के महीने में भी भारत पर आतंकवादी हमले करने से नहीं बाजा, आज पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को हम पूरी तरीके से बेनकाब करेंगे, क्योंकि तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे और उन तमाम आतंकियों का आज बेनकाब करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया एंटी टेरर फ्रंट के चेयरमैन मनिंदर जीत सिंह बिट्टा जी। तो सबसे पहले मनिंदर सिंह बिट्टा जी, मेरी तरफ से और पूरे JK247 न्यूज की तरफ से आपको जय हिंद वंदे मातरम। बिट्टा जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी बिट्टा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनिंदर जी सिंह बिट्टा जी, पिछले 3 दिन के अंदर पाकिस्तान ने 3 बड़े हमले, जो कह सकते हैं पाकिस्तान की धरती से जो आतंकवाद वहां पर पलपता है, वहां पर प्रायोजित होता है, 3 बड़े हमले हुए हैं। 2 दिन पहले की बात करें तो हमने इस हमलों में 8 अपने जवान, 2 अधिकारी और 8 जो जवान है कुल, वो खो दिए, वो शहीद कर दिए। क्या आपको लगता है कि जब रमजान का महीना है और पूरी दुनिया जिस वक्त कोरोना की महामारी से लड़ रही है, पाकिस्तान आज भी जो है आतंकवाद को लेकर उसका जहर जो है वो पूरी तरीके से फैलाने में बाज नहीं आ रहा, क्या आपको लगता है कि ऐसे महीने में जब रमजान का महीना है और पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये हमले होना, कैसे देखते हैं बेटा इसको आप? बता देना चाहता हूं जी कि पाकिस्तान एक धोखेबाज मुल्क है जी। पाकिस्तान हमेशा उस वक्त वार करता है जब वो मौका देखता है, और उसको ये पता है कि अगर कोरोना ना होता जी इस वक्त पता नहीं कितने सर्जिकल ऑपरेशन हो जाते जी। उसने हमारे 14 जवान शहीद किए थे JNT के अंदर, CRP के जी। आपको याद होगा कि 15 मिनट के अंदर हमारे जवानों ने उनके कैंप तबाह करके और उनके कम से कम 70 के करीब आतंकवादियों को ठोक करके जिंदा शहीद की तरह वापस आए थे जी। आपको पता होगा कि जब 40 जवान शहीद किए थे पुलवामा में, मेरा ख्याल 10 मिनट के अंदर हमारे प्लेन गए, कम से कम 300 से ऊपर आतंकवादियों को और उनके कैंपों को उनके हद में बालाकोट में खत्म करके आए, और उसके बाद 370 धारा हटाई, नरेंद्र मोदी जी ने हटाई 370 धारा। कैंसर की बीमारी जो कई वर्षों से चल रही थी, 70 साल से चल रही थी, एक बहादुरी उस योद्धे ने बहादुर का रूप दे करके 370 धारा हटाई और एक देश को, दुनिया को बता दिया कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या कि वहां भूखमारी है जी, कोरोना फैल चुका है, हॉस्पिटल के अंदर इलाज नहीं है, दवाइयां नहीं है लोगों के पास, गरीब लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो पाकिस्तान अब क्या करे? उसके पास यही तरीका था कि लोगों का ध्यान डिवर्ट किया जाए। हमने हिंदुस्तान के अंदर इतने जवानों को शहीद कर दिया, पर याद रखिएगा कि जो जवान शहीद हुए, मेजर जनरल शहीद हुए जी, बड़े अधिकारी शहीद हुए, शर्मा जी शहीद हुए जी, वो चाहते थे 20 मिनट में ऑपरेशन खत्म कर देते, पर उन्होंने कश्मीरी भाइयों को बचाने के लिए अपनी जान को निछावर कर दिया और आतंकवादियों को ठोक करके 2 आतंकवादियों को वहीं ढेर कर दिया। हमारी 10 जाने जा सकती, हमारी 50 जाने जा सकती है, एक भी आतंकवादी हम वापस नहीं जाने देंगे, उनको इस तरीके से चुन चुन के मारेंगे कि वो सदियों तक याद रखेंगे। तो हमें कोई इस चीज का कोई डर खौफ नहीं है। हमारे जवानों की पत्नियां को देखा होगा आज आपने अपने चैनलों के अंदर, एक भी पत्नी की आंखों में आंसू नहीं था, उनके बच्चों की आंखों में आंसू नहीं था, उनकी माँ की आंखों में आंसू नहीं था, बिल्कुल तिलक लगाया हुआ था जी। ये हमारे मुल्क की बहादुरी है। हमारे 5 जवान शहीद हुए, आज भी हुए जी, 8 जवान शहीद हो गए। रमजान की इज्जत करता है हिंदुस्तान, रमजान हमारे देश का एक हिस्सा है, ईद मुबारक भी आती है, हमारे देश का हिस्सा है, हम रमजान के आगे सिर झुकाते हैं। इस वक्त हम कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे। पाकिस्तान हरकत करता तो करे जी, करे उसको खुली छूटा करे, पर जब हमारा वार होगा, जमीन पाकिस्तान की होगी, वक्त हमारा होगा, दिन हमारा होगा, और सुबह जब पाकिस्तान के लोग आंखें खोलेगी और देखेंगे बालाकोट जैसी कितनी घटना हुई है, ये मैं आपसे वादा करके जाता हूँ। हिंदुस्तान मानवता का रक्षा, आपको पता होगा जी बिल्कुल, जब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने थे
हमने विरोध किया था, वो दुबई से पाकिस्तान गए थे, उनका वापस आना बड़ा मुश्किल था, जिंदा शहीद की तरह वापस आए थे पाकिस्तान से, नवाज शरीफ को मिले थे। ये संदेश देने के लिए आप हमें गलत मत समझिए, हमने एक नए युग की शुरुआत करनी है, पाकिस्तान की मानवता हो या हिंदुस्तान की मानवता हो, हम रक्षा करनी है, हमें युद्ध नहीं करना है, हमें आतंकवाद को समाप्त करना है। क्या किया 10 दिन के बाद पाकिस्तान ने, दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना, जम्मू कश्मीर के अंदर गोलाबारी, पत्थरबाजी, नहीं हटा पाकिस्तान, फिर उसके बाद 14 जवान शहीद, फिर 40 जवान शहीद, फिर सर्जिकल ऑपरेशन हुए, और हमने पहल की, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने पहल की, हिंदुस्तान अमन शांति चाहता है, हिंदुस्तान शांति का पुजारी है, हिंदुस्तान महात्मा गांधी की सोच पे चलने वाला है। तो जब से फिर पाकिस्तान ने दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना की, उसका जवाब आज तक दिया जा रहा है, और इसका जवाब किस रूप में नरेंद्र मोदी जी देंगे ये मैं नहीं कह सकता, पर मैं बेटा बिल्कुल जो मेरा अनुभव है, जितनी बार पाकिस्तान ने हम पर हमला किया हमने पूरी जवाबी कार्रवाई के साथ उसको जवाब दिया, पूरी सख्ती के साथ जवाब दिया। लेकिन इस अगर इसी साल की बात करें तो 2020 में बिटा जी पिछले 5 महीनों में करीब 1500 बार पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया है, चाहे उसको पता है कि उसके देश के अंदर भी संकट है, लेकिन बार बार सीज फायर का वायलेशन करता है, और उसकी एक ही ये नापाक हरकत रहती है कि किसी वजह से वो अपने आतंकवादियों को लॉन्चिंग पैड से कहीं ना कहीं उसको घुसपैठ करवाने में कामयाब रहे। बार बार हम उसका जवाब देते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार के क्लियर निर्देश हैं जो हमारे जवानों को, लेकिन बार बार सीज फायर नहीं रुक रहा क्योंकि बॉर्डर पर लगातार तनाव बना रहता है, और घुसपैठ जो कह सकते हैं वो भी इसी आड़ में बार बार होती है। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है जी, 370 धारा हटी, सेंटर गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ, जो इनके नेता इनको मदद करते थे, इनको शेल्टर देते थे, उनका हशर क्या हुआ आपने देखा, उन्होंने मौज मस्ती करते थे, 70 साल मजे लिए उनके परिवारों ने, खूब धन विदेशों में भेजा जी। आज कम से कम एक उसको कंट्रोल तो हुआ, आज सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी स्टेप तो ले सकती है, अब स्टेट गवर्नमेंट का तलक तो नहीं है, जैसे महबूबा मुफ्ती ने 40 जवान शहीद हुए सीआरपी के, क्यों हुए, महबूबा मुफ्ती ने नाके नूके सब हटा दिए थे, इनकी अपनी चलती थी, नहीं अब आतंकवाद के ऊपर, मातृभूमि की सीमाओं के ऊपर, रक्षा के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर कोई भी बड़े से बड़ा अच्छा काम होगा उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। अब बिल्कुल मत फिक्र करें, हम आपसे वादा करते हैं, हम सरकार में तो नहीं है पर हम राष्ट्र के एक छोटे से सिपाही हैं, हम नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के नहीं है पर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का योद्धा है, हमें फक्र है उनके ऊपर, वो जो आप कैसे देते हैं उनको दिन रात फिक्र रहती है इस राष्ट्र की सीमाओं की, उनको फिक्र रहती है कोरोना के ऊपर कि मेरे हिंदुस्तान के अंदर भाई बहन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को मर ना जाए, कोरोना से चले ना जाए, हमारा कोई जवान शहीद ना हो। और आपको ये भी सोचना होगा कि लाखों जवानों का बदला, जो जवान शहीद हुए, कश्मीरी पंडित शहीद हुए, बेगुनाह लोग शहीद हुए, चाहे वो हिंदू थे मुसलमान थे सिख थे ईसाई थे, 370 धारा हटा के बहुत बड़ा काम तो किया, चाहे बाकी पॉलिटिकल पार्टियां माने ना माने, पर मैं बचपन से जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा हूं, हमारे लिए कितनी फख्र की बात है कि 70 साल हमारे बुजुर्गों ने देखे होंगे वो हालात, और आज हम इस मुल्क को आजाद देख रहे हैं, तिरंगा झंडा एक, जनगण मन एक, संविधान एक, भारत एक, अरे ये तो छोटी चीजें हैं हमारे जवान के, क्योंकि संविधान एक, झंडा एक हमेशा बात करते हैं, और पूरा देश जो है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और देश का हर नागरिक जो है वो देश के साथ है। लेकिन अगर साल 2016 के बाद की बात करें तो उरी हमले के बाद हमने पाकिस्तान को कई बार जो है वहाँ पर जवाबी कार्रवाई की है, और कश्मीर के अंदर बात करें तो जितने भी आतंकवादी संगठन वहाँ पर काम कर रहे हैं बेटा जी, सभी के जितने टॉप कमांडर थे, निचले लेवल पे कमांडर, उन तमाम कमांडरों को मौत की नींद सुलाया सुरक्षा बलों ने। लेकिन कहाँ से आतंकवादियों को फिर बल मिलता है बार बार कि वो फिर जिंदा हो जाते हैं? अगर 2018-19 में बात करें तो सबसे ज्यादा आतंकवादी और टॉप कमांडर मारे गए जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन एक बार फिर जो है आतंकवाद जो है कई महीनों के बाद एक बार फिर जो है धीरे धीरे घाटी के अंदर कह सकते हैं पनप रहा है। देखो एक बात तो, एक तो ये मौसम ऐसा है, इस मौसम में वो पूरी कोशिश करते जी, दूसरा कोरोना का लहर पूरी दुनिया में चल रहा है, पाकिस्तान में भी चल रहा है, हिंदुस्तान में भी चल रहा है,
आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री जी सारी पॉलिटिकल पार्टियां सारी वरेज हैं कि हमने मानवता को बचाना है। फोर्स भी लगी हुई है कहां कहां, पुलिस भी लगी है, मिलिट्री भी लगी है, सीआरपी भी लगी है। सीआरपी के ऊपर कोरोना में कई लोग आ गए, फौज में आ गए, पुलिस में आ गए। कितनी बड़ी इस दुनिया के अंदर इस वक्त टेंशन का वक्त है, तो पाकिस्तान उसका फायदा ले रहा है। आज अगर कोरोना ना होता तो आपको क्या लगता है, आप तो रात को सोए होते जी। मैं भी सोया होता, जनता सोई होती, सुबह आपको न्यूज जरूर मिलती कि पाकिस्तान के ऊपर ये काम करके आए। इस वक्त भारत सुरक्षा की तरफ से, भारत हथियारों की तरफ से, भारत हर तरफ से लड़ने के लिए पूरा मजबूत है, पर पैर हम नहीं करना चाहते। अब पाकिस्तान ने पैर की है, और उस वक्त पैर की है जब कोरोना का कहर पाकिस्तान भी और पूरी दुनिया हिंदुस्तान में चल रहा है। इसका जवाब तो हमें देना है, अवश्य देना है। ये पीठ पे छुरा मारा है। आज पाकिस्तान क्या कह रहा था, क्या आवाज आई थी उधर से, हमें वेंटिलेटर चाहिए, हमें दवाइयां चाहिए, तो हमने विरोध तो नहीं किया। हिंदुस्तान की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने, हमने फौज के रिटायर्ड जनरलों ने कहा यह मानवता की सेवा है। पाकिस्तान के अंदर हर बैठी हुई बहन, हर भाई सड़क पे चलता हुआ जिसका किसी राजनीतिक पार्टी के साथ संबंध नहीं, उन मानवता के तो हम खिलाफ नहीं है। उनके लिए अगर कोई मदद करनी पड़े, हमारे चाहे पाकिस्तान कितना बड़ी दुश्मन हो बड़ा, पर उनके लिए हमेशा हिंदुस्तान खड़ा है। और आपको देखा होगा पाकिस्तान में जब डिफेंस कानून के छोटे छोटे डिफेंस कानून में बच्चों को मार दिया गया था जी, हिंदुस्तान का हर बच्चा रोया था, हिंदुस्तान की हर मां रोई थी, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति रोया था। हम वो मानवता का देश है बेटा, बिल्कुल। अगर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि रमजान का महीना है, कोरोना को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे वक्त में हम नहीं चाहते और जवाबी कार्रवाई, और आने वाले दिनों में वो दिखेगा जब पाकिस्तान को सूद समेत हम बदला लेंगे। लेकिन अगर हम इससे पहले जाएं, अमेरिका की बात करें, इसराइल की बात करें, तो उनके जहां तक भी आतंकवादियों को लेकर चाहे उनकी कार्रवाई हो, चाहे उनके दुश्मन को लेकर कार्रवाई, लेकिन उनका एक टारगेट जो है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर हम अपनी बात करें तो हमें पता है कि पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद जो है वो पनपता है, पीओके के जो आतंकवाद का अड्डा है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी स्टिक कार्रवाई करने में, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमारे से चूक हो जाती है, या हम थोड़ा सा एक कार्रवाई करने के बाद फिर पाकिस्तान को मानवता के नाते थोड़ा ढील देते थे, जिसके बाद देखो एक बात स्पष्ट आपको कह दूं, मानवता की जहां तक बात है, दुनिया कहीं भी हो, आम सड़क पे जाता हुआ व्यक्ति को बहन भाई, जिनका कोई आईएसआई से तल्लक नहीं, कोई राजनीति से तल्लक नहीं, अपने काम में सुबह निकलते रात को आते हैं, अब आईएसआई की गलतियों से जी हम उनका नुकसान करें, हिंदुस्तान ऐसा नहीं है जी। ये हमारे जवानों के सिर काट देते, ये जवानों के साथ बर्दबा दिखाते, ये जवानों की डेड बॉडी के साथ अपमान करते, हम ऐसा नहीं करते। हम तो करेंगे, पर फिर कहूं जमीन की, दिन हमारा, वक्त हमारा होगा, हम करेंगे और ऐसा करेंगे कि ये सदियों तक पाकिस्तान याद रखेगा। इसको पता नहीं है कि इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, बांग्लादेश के दो टुकड़े करा दे थे। आज का भारत, नरेंद्र मोदी उसका प्रधानमंत्री है जी। और उसकी फौजों का तीन फोर्सेस का जनरल रावत है, जिसने सर्जिकल ऑपरेशन बड़े बड़े किए थे जी, बिल्कुल। तो इसलिए हमारा भारत को आप कमजोर मत समझिए, हम कहीं ना कहीं अगर कमजोर होते हैं, अपने राष्ट्र के अंदर कमजोर होते हैं। जो सवाल उठाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर, जो सवाल उठाते हैं 370 धारा के ऊपर, जो सवाल उठाते हैं जवानों की शहादत के ऊपर, जो सवाल उठाते हैं कि जब जवान पत्थरबाजों पे पकड़ के उनको पीटते हैं, ये सवाल हमारा उनसे खतरा है। पाकिस्तान क्या है, इनको तो कभी भी देख लेंगे, हम अपने घर के अंदर कभी कभी कमजोरी खा जाते हैं बेटा। बिल्कुल पाकिस्तान को देख लेंगे, लेकिन चाइना की बात करनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि जब जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब भी आतंकवाद के खिलाफ हमने आवाज उठाई, बाकी देश हमारे साथ है, लेकिन चाइना ने कई बार वीटो पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों को जो है वो संरक्षण दिया, उनका बचाव किया। हालांकि चाइना के साथ हमारे जिस तरीके के आर्थिक ताल्लुकात हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है उसको लेकर हमारी रणनीति कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। चाइना पर हम दबाव बनाने में उतना सफल नहीं हो पा रहे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, क्योंकि वो बार बार
पाकिस्तान को संरक्षण देता हुआ नजर आता है। देखो एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहूँ, प्रधानमंत्री जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी जी। जब प्रधानमंत्री बने तो चाइना के राष्ट्रपति आए जी, पूरा उनका स्वागत हुआ जी। गुजरात में कितनी हिंदुस्तान की तरफ से कोई फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कमी नहीं है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी कौन है और फॉरेन मिनिस्टर कौन है, पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे, आज उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया जी। आपने मोदी जी की पॉलिसी को देखिए, मोदी जी की पॉलिसी क्या क्या है, उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाती जो देशों के संबंधों को अच्छा करे। पर इस वक्त जो वक्त है, इस वक्त इसके बारे में कुछ कहने का वक्त नहीं है। कोरोना का माहौल ऐसा खतरनाक चल रहा है, बिल्कुल वक्त आएगा, ये चीजें लोगों के सामने एक्सपोज होंगी और चाइना को भी एक दिन अपने इस बात के ऊपर हाथ खड़े करने पड़ेंगे कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। बेटा बिल्कुल, मैं वही जिक्र कर रहा था, जिस तरीके से भारत और चीन के बीच व्यापार, अगर मैं आंकड़े थोड़ी देर पहले देख रहा था, 4,62,000 करोड़ से भी ज्यादा हमारा चाइना के साथ सालाना व्यापार है, जो बहुत ज्यादा ब्रिटेन के साथ भी, जो अभी वीटो पावर के अंदर है, 91,000 करोड़ से भी ज्यादा, और सबसे ज्यादा क्योंकि मोदी सरकार जब से आई है साल 2014 से लेकर 2019 तक, अगर सबसे ज्यादा कोई रक्षा डील अगर किसी देश के साथ हुई है तो वो अमेरिका है। तीनों देशों के साथ इतनी बड़ी साझेदारी होने के बावजूद, हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन का रुख बहुत ज्यादा हमारे को लेकर साफ रहा है, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं जो है वो बीच का रास्ता अपनाता है, क्योंकि अपने हितों को लेकर वो पहले देखता है। देखो चाइना इस वक्त आपने देखा दुनिया के अंदर क्या हालत चाइना के कारण पूरी दुनिया की हुई है जी। पूरी दुनिया के अंदर चाइना पूरी दुनिया की नजरों में घिर चुका है। ऐसा लगता है कि वहां इंसानियत नहीं जाएगी। इंसानियत तो हो, ये मानवता जा रही है ना जी। पूरी दुनिया के अंदर जा रही है ना मानवता, उसमें चाइना का भी होगा, उसमें अमेरिका का भी होगा, इटली का भी होगा, हिंदुस्तान का, फ्रांस का, कनाडा का, पूरी दुनिया का होगा। तो ये जो आपने चाइना के मुद्दे के ऊपर बात की, उसकी फिर कभी चर्चा करेंगे। इस वक्त जी जी हमारा देश, पूरी दुनिया बहुत मुश्किल में है जी, कोरोना के ऊपर बिल्कुल, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये चर्चा का विषय है बहुत जबरदस्त जी, पर खुले तौर पे बोल भी सकते हैं। इस वक्त हमें कोरोना के ऊपर बहुत ध्यान देना, मानवता के ऊपर। मैं कोई ऐसी बातें कह दूं जो मेरे दिल के अंदर बातें कह दूं जी, शायद वो राष्ट्र के हित में अभी ना हो जी, इसलिए मैं आज इन चीजों के ऊपर चर्चा नहीं कर सकता। बिल्कुल बेटा जी, इससे कि उरी और पुलवामा हमले के बाद हमने दो बार पाकिस्तान को उसके घर के अंदर घुसकर मारा, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर आतंकवाद को लेकर भी कहीं ना कहीं जो पार्टियां वो बटी हुई नजर आती है, यानी कि साफ तौर पर कहें तो राजनीति नजर आती है। दोनों बार सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े हुए, क्योंकि आप बिल्कुल मुखर होकर आतंकवाद को लेकर बोलते हैं, ऐसे में जब देश की बात आती है और जब राजनीतिक पार्टियां इस पर राजनीति करती हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। क्या आपको लगता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भी इस तरीके से राजनीति करना जायज है? देखो पंजाब के अंदर जब आतंकवाद था, बिल्कुल सारी पॉलिटिकल पार्टियां जब एक हुई, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, अकाली दल का कुछ हिस्सा, तो एक साल में आतंकवाद समाप्त हुआ। बिल्कुल, जब पता था कि मौत सामने, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमें तो बहनों के सुहागों की रक्षा करनी है, हमें बच्चों को यतीम होने से बचाना है, हमें खून की नदियां नहीं बहने देनी है जी, तो एक साल में आतंकवाद ठीक हुआ। सवाल सबसे बड़ा ये कि हमारी हिंदुस्तान की राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां जी मुद्दों को ढूंढती है, कभी अप्रिशिएट नहीं करती। अब मैं कांग्रेसी हूँ, पुराना टकसाली हूँ, जितने भी कांग्रेसी है ना जी, ये बात के मैं सबसे पुराना हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम का। बिल्कुल, पर मुझे बचपन से राष्ट्र से प्यार है, मुझे तिरंगे झंडे से प्यार है। अगर नरेंद्र मोदी जी आज देश के लिए काम कर रहे हैं, वो मुशर्रफ तो नहीं है, वो नवाज शरीफ तो नहीं है, वो बेनजीर भुट्टो तो नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हमें फख्र है जिन्होंने इतने इतने बड़े मसले हिंदुस्तान के अंदर हल कर दिए। राम जन्मभूमि जैसे मसले हल कर दिए, 370 जैसा मुद्दे हल कर दिए, नए बिल आ गए, आगे पॉपुलेशन का बिल आने वाला है। अब देश के अंदर देखो इतना बड़ा कोरोना है, आप पॉपुलेशन पे अब कंट्रोल नहीं करेंगे तो कैसे मक्खी मच्छरों की तरह लोग चले जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी करें और ये लोगों के सामने रोज जब बोलते हैं आपके चैनलों पे, ये रोज एक्सपोज होती है, डेली एक्सपोज होती है, और लोग समझ जाते हैं कि इनको देश से प्यार नहीं है। और मोदी जी की तरफ देखिए, मैं फिर कहूँ, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं जी, ना बीजेपी ना नरेंद्र मोदी, आज नहीं तो कल जाना है। 14 बार
बम खाने के बाद, आज नहीं तो कल जाना, बोनस की जिंदगी, सच बोलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो आदमी को रात को नींद नहीं आती, लोगों की जिंदगियों की रक्षा करने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के लिए खड़ा है। कौन उसका साथ देता है नहीं देता ये लोग जानते हैं, पर दुनिया उसका साथ दे रही है। अमेरिका उसका साथ दे रहा है, इटली उसका साथ दे रहा है, फ्रांस उसका साथ दे रहा है, स्पेन उसका साथ दे रहा है, दवाइयां जा रही है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में हमें क्या फर्क पड़ता है, जब दुनिया उसको सल्यूट कर रही है तो हम तो कुछ भी नहीं। तो हिंदुस्तान के उन पॉलिटिकल पार्टियों को मैं जरूर कहूंगा, अपने रुख को बदलें, अपने विचारों को बदलें और राष्ट्र प्रथम रखें। अगर देश के लिए वो काम करता है उसको सल्यूट करें। आपने देखा होगा, इंदिरा गांधी जी का टाइम देखा होगा, जब बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के दो टुकड़े कराए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या क्या कहा था, ये तो देवी है। तो आज अगर नरेंद्र मोदी ने इतने बड़े काम कर दिए तो हमें उनको अच्छा कहने में क्या दिक्कत है। सरकारों को लेकर बेटा जिस तरीके कह रहे हैं कि मोदी सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अगर हम देशद्रोह कानून की बात करें, पिछले बार जितनी बार भी देश के अंदर चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर देश विरोधी नारे लगे हों, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात हो, जब भी सरकार ने एक्शन लिया ऐसे लोगों पर तो दूसरी पार्टियों ने हमेशा सरकार का विरोध किया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल की बात करें तो एक साल लगा दिया पूरा कन्हैया के कुमार के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसको यानी कि मामला चलाने की इजाज़त देने में एक साल लगा दिया। क्या आपको लगता है कि जब ऐसा कुछ देश के अंदर सुर उठते हैं तो राजनीतिक पार्टियां जब ऐसे लोगों को संरक्षण देती है तो कहीं ना कहीं देश के भीतरी जो माहौल है, जो कहीं ना कहीं हम लड़ रहे हैं देश के भीतर आतंकवाद से, वहां पर हमारी जो पकड़ है सरकारों की वो कमजोर होती है। बेटा जी देखो, कहां है आज टुकड़े टुकड़े गैंग, कहां है, कहां गलैया, कहां यूनिवर्सिटी के वो लड़के, बिल्कुल कहां वो आग लगाने वाले, जब हमारे नौजवान शहीद बर्फों के अंदर समाधि ले गए, एक मौत से लड़ रहा था, उस वक्त ये नारे लगाते थे, भारत मां तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, घर घर अफजल पैदा करेंगे, कहां है आज वो, कहां है। मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहता हूं, कहां आज देश के ऊपर इतनी आफत है, क्यों सड़कों पे नहीं निकलते, कहां है आज वो राजनीतिक पोलिटिकल पार्टियां। राजनीतिक पार्टियों से भी मैं पूछना चाहता हूं कि आप सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते, आप एमएलए एमपी बनने की पॉलिटिक्स करते, आप काउंसलर बनने की पॉलिटिक्स करते, हर चीज पुलिस करेगी, हर चीज फौज करेगी, हर चीज डॉक्टर करेगा, हर चीज सफाई सेवक करेगा, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या, सड़कें हम नहीं साफ कर सकते क्या, मैंने बचपन में सड़कें नहीं साफ की क्या, मैंने गंदी नालियां साफ नहीं की क्या, मैंने अपना खून 100 बार निकाल करके टेररिस्ट विक्टिम फैमिलियों को मैंने मेरे दोस्तों ने नहीं दिया क्या, हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे पकड़ के जब घरों से लोग नहीं निकलते क्या, लोगों के अंदर जागृति पैदा नहीं की, उस वक्त भी गोलियां चलती थी, मौत सामने थी, क्यों नहीं निकलते जी, पुलिस निकले, फौज निकले, डॉक्टर निकले, सफाई सेवक निकले, हमने ठेकेदारी ले रखी है क्या पॉलिटिशियनों ने। बिल्कुल, क्योंकि वक्त की बहुत ज्यादा कमी, लेकिन आतंकवाद को लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, आज माहौल नहीं है क्योंकि वायरस से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और भी बहुत मसले हैं, लेकिन क्या आपको लगता है बेटा जी, क्योंकि एनआईए को स्थापित किया गया, उसके बाद जो आतंकवाद विरोधी कानून था उसमें भी जो कड़े बदलाव सरकार ने किए ताकि एक बड़ी रणनीति के तहत आतंकवाद को कुचला जाए, लेकिन आपको क्या लगता है आज भी कहां पर हमारी कमजोरियां हैं, कहां पर रणनीति को लेकर है कि आतंकवाद के खिलाफ जो एक नीति बननी चाहिए पूरे देश के अंदर, चाहे वो सरहदों के बाहर हो चाहे सरहदों के अंदर हो, कहां पर आप मानते हैं कि लूपहोल आज भी है जहां जिसकी वजह से जो है ऐसी घटनाएं कम नहीं हो रही, और पाकिस्तान का आखिरकार हल क्या है? एक मेरी बात सुनो, 5 साल के अंदर मुझे बता दो जी, 5 साल के अंदर दीनानगर पठानकोट की घटना को छोड़ करके, कश्मीर को छोड़ करके जी, पूरे देश में कहीं बम ब्लास्ट हुआ जी, जगह जगह पे बम ब्लास्ट होते थे, बिल्कुल दिवाली के दिनों में दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे, बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में बम ब्लास्ट होते थे, 26/11 की घटना होती थी, पार्लियामेंट की घटना होती थी, 5 साल में मुझे एक घटना बता जी, नक्सलाइटों की हुई है, बिल्कुल नक्सलवाद को छोड़ के नहीं, बड़ी घटना कोई नहीं, नहीं वो भी कम हुई है, एक भी घटना बता दो कि 5 साल में हुई है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं कहता हूं मेरे पे यकीन कीजिए, मैं को नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं हूं, मैं उसकी एक राष्ट्र प्रति पॉलिसी के साथ हूं, उस आदमी के ऊपर यकीन है, ऐसा योद्धा हमें कभी मिलने वाला नहीं है, ये भगवान ने एक फरिश्ते के रूप में हमें दिया है, हम यकीन दिलाते हैं, आप हम इतना नहीं फिक्र करते होंगे जितना उसका दिमाग चलता होगा राष्ट्र की सीमाओं के ऊपर और मानवता की रक्षा के ऊपर, आज वो मानवता की रक्षा के लिए दिखता है, तो इसलिए आप बिल्कुल फिक्र ना करें, यकीन कीजिए, बोलने को तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं, पर नहीं, मुझे उस आदमी के ऊपर यकीन है,
कि वो ऐसा बहादुर योद्धा इस मुल्क का रक्षक, हमें कभी हमारे देश को कमजोर नहीं होने देंगे। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत मनिंदर जीत सिंह बेटा जी। तो ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदर जीत सिंह बेटा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान का इलाज पूरे तरीके से भारत करेगा, लेकिन मानवता के नाते, रमजान के नाते और कोरोना वायरस की जो लड़ाई पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व लड़ रहा है, ऐसे वक्त में भारत चुप है। लेकिन जो आज हमले पाकिस्तान की तरफ से हो रहे, उसे एक हर एक हमले का करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। तब वक्त भी हमारा होगा, तब वक्त भी हम तय करेंगे और जमीन भी हम तय करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को हर हाल में जवाब जो है वो दिया जाएगा।